सीधी तस्वीरें। कांग्रेस ने 5 साल हो गए, कांग्रेस ने जांच क्यों नहीं कराई? इस सर, कल राहुल गांधी का जो बयान था वो बहुत ही खतरनाक था, बिल्कुल बीजेपी वाला बयान था कि अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार ना बनी तो पंजाब में दोबारा आग लग जाएगा। बट दैट मींस इस तरह के खतरनाक बयान ये लोग दे रहे हैं। हम पंजाब के व्यापारियों को, जनता को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार आपको एक सुखी शांत और भाईचारा कायम करने वाली सरकार दे सकती है। व्यापारियों को अब किसी भी अफसर से और किसी भी नेता से डरने की जरूरत नहीं होगी। कोई अफसर आपको नहीं डरा सकता, कोई नेता आपको नहीं डरा सकता। पहले दिल्ली में भी माहौल था कि अफसर जाते थे, हफ्ता लेके आते थे, महीना लेके आते थे, पैसा ऊपर तक पहुंचता था। दिल्ली में ये बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी पंजाब के व्यापारियों से अपील है कि दिल्ली के व्यापारियों को फ़ोन करके देखो। दिल्ली और पंजाब के बीच में व्यापारियों का बड़ा आना जाना रहता है, आपस में बहुत ज़्यादा व्यापार है दिल्ली और पंजाब के बीच में, आपस में सब लोग जानते हैं। दिल्ली के व्यापारियों को फ़ोन करके देखो कि क्या केजरीवाल की सरकार में आपको अफसरों को पैसे देने पड़ते हैं, और फिर यहाँ पे आप डिसाइड करो कि आप हमें वोट दोगे या नहीं दोगे। दिल्ली के अंदर हमने रेड राज बंद कर दिया, दिल्ली के अंदर हमने इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे व्यापारियों को हम अच्छा माहौल देंगे, ईमानदारी से वो काम कर पाएंगे। सभी आढ़तियों से और सभी व्यापारियों से मेरी अपील है, अभी तक कहा जाता था कि पंजाब का व्यापारी वर्ग कांग्रेस का वोट बैंक है। मैं सभी व्यापारियों से अपील करना चाहता हूं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। पहले दिल्ली में कहा जाता था कि सारा व्यापारी वर्ग दिल्ली का बीजेपी का वोट बैंक है। आज 5 साल के 7 साल के बाद दिल्ली का सारा व्यापारी आम आदमी पार्टी का वोट बैंक हो गया। हमने उनका दिल जीता है। सारे व्यापारी दिल्ली के आज आम आदमी पार्टी को देते हैं, आम आदमी पार्टी के वोट बैंक हैं। पंजाब में कहा जाता है कि व्यापारी कांग्रेस का वोट बैंक है। मैं सारे व्यापारियों को कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, एक मौका देके देखो आप, हम आपका दिल जीत लेंगे 5 साल में, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मसले बहुत हैं, केवल इंस्पेक्टर राज और रेडर, मसले बहुत हैं व्यापारियों के। आपके सारे मसले भगवंत मान जी पर्सनली आपके साथ बैठेंगे और सारे मसले आपके हल करेंगे। अभी तक व्यापारियों से हिस्सा मांगा जाता था, हमारी सरकार में व्यापारियों को हिस्सेदारी दी जाएगी, व्यापारी हिस्सेदार बनेगा। व्यापारियों को हमने खूब तवज्जो दी है अपने, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने, मैंने और भगवंत जी ने दोनों ने बैठ के पर्सनली 8-8 टाउन हॉल किए हैं व्यापारियों के साथ।